देखिए आज एक और न्यूज़ चल रहा है कि भाजपा सुषमा स्वराज जी का टिकट काटने वाले हैं, भाजपा मुरली मनोहर जोशी जी के टिकट काटेंगे। तो बीजेपी अपने इतने परेशान है कि करीब 270 सांसद में से 150 के ऊपर सांसद का टिकट काट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है, इसका मतलब है कि लोग निराश हैं मोदी जी से। तो आप जितना भी विकास बोलेगा, विकास तो सिर्फ एक ही जगह दिखाई देता है, वो है अमित शाह जी के अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक की जो डिपॉजिट में विकास हुआ विमुद्रीकरण के समय में, करीब करीब जो है 600 करोड़ जो आपने आप देख लीजिएगा, विमुद्रीकरण के समय में विकास सिर्फ गुजरात के 11 कोऑपरेटिव बैंक में हुए, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अध्यक्ष हैं या डायरेक्टर हैं। विकास वहीं पर ही हुआ है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर से कोशिश करूंगा कि अमित शाह जी इसका तो जवाब दे कि 11 नवंबर और 14 नवंबर के बीच में 600 करोड़ उनके बैंक में कैसे आ गए। उसी तरह से 11 बैंक में से सिर्फ गुजरात में हुआ, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, कोऑपरेटिव बैंक में सिर्फ गुजरात में हुआ, तो विकास वहीं हुआ है। तो ये विकास की परिभाषा समझा देंगे तो हम लोग उसके बाद चर्चा करेंगे।